अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मिर्ज़ा रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमआर रहमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। टाइम टू टाइम वीकली हम आपको इस्लामाबाद और पिंडी की डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ का जो है वो विज़िट करवाते रहते हैं। आज मैं इस वक्त जो हूं वो ताज रेजिडेंशिया के बाहर मौजूद हूं। आज आपको ताज रेजिडेंशिया का विज़िट कराऊंगा। मैं अपने नए सब्सक्राइबर और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अगर इसकी लोकेशन का बताऊँ तो CDA सेक्टर I-14 I-15 के बिल्कुल इक्वल पे आपको बैक साइड पर जो है ताज रेजिडेंशिया मिल रही है। अगर मेरा कैमरामैन अपनी बैक साइड पे दिखाए तो ये जो आपको घर बने हुए नज़र आ रहे हैं ये CDA सेक्टर I-14 है। ये सामने जो आपको घर नज़र आ रहे हैं ये CDA सेक्टर I-14 है। I-15 जो है उसका डेवलपमेंट का काम जारी है, वो मेरे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे बनता है। ये जो आपको पीछे गेट देख रहे हैं, अगर आप I-14 से आएंगे तो आप इस गेट से जो है ताज रेजिडेंशिया को जो है वो अप्रोच करेंगे। फ्यूचर में यह है कि CDA सेक्टर I-15 से भी इसको रास्ता मिल जाएगा और आपका जो गिरजा रोड है बैक साइड पे इसके गिरजा रोड लगती है, फ्यूचर में आपको गिरजा रोड से भी जो है वो इसको रास्ता दे देंगे ताज रेजिडेंशिया के, यानी तीन एंट्रेंस पॉइंट इसके हो जाएंगे। अगर मैं ताज रेजिडेंशिया के डेवलपर की बात करूं या इसके ऑनर्स की बात करूं तो सरदार ग्रुप ऑफ कंपनी जो है वो इसको ऑन करती है। इससे पहले उनका जो प्रोजेक्ट है वो सेंटोरस मॉल है जिसको वो ऑन कर रहे हैं। जी, उनका दूसरा हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो इसको इस्लामाबाद में वो डेवलप कर रहे हैं। इससे पहले भी 4-5 महीने पहले भी मैंने आपको ताज रेजिडेंशिया का विज़िट करवाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वो वीडियो जाके देखें उसके बाद ये वीडियो देखें ताकि आपको आइडिया हो सके कि यहाँ पे डेवलपमेंट्स कितनी तेज़ी के साथ यहाँ पे जो है वो जारी है। अगर प्लॉट्स की कटिंग की बात की जाए तो यहाँ पे 5 मल्ला 8 मल्ला 10 मल्ला कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स की कटिंग है। और ब्लॉक्स की बात करूँ तो इसके तकरीबन 13 ब्लॉक्स हैं जिसमें रोज़ है, गार्डन है, गार्डिनिया है, टूलिप है, लिली है, इस तरह ब्लू बेल है। 13 इसके टोटल इस तरह के इसके ब्लॉक्स हैं। 3-4 महीने पहले ताज एजेंसिया ने जो है पाकिस्तान पैकेज के तहत यहाँ पे 5 मल्ला लॉन्च किया था जिसकी टोटल कॉस्ट जो थी वो 35 लाख रुपये थी, डाउन पेमेंट 6 लाख रुपये थी और बाकी उसका 4-5 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान था। 4-5 साल में आपने इंस्टॉलमेंट में उसके 35 लाख पूरा करना था और उसके बाद आपको यहाँ पोजेशन मिल जाएगा। रिसेंटली 8 मरले का प्लॉट जो है ताज रेजिडेंशिया ने पाकिस्तान पैकेज के तहत जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया है जिसकी टोटल कॉस्ट जो है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और बाकी जो डिटेल्स हैं उससे रिलेटेड वो मैं आपको इस वीडियो के एंड पे बताऊंगा। वीडियो के एंड तक आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इल्म हो सके कि यहाँ पे डेवलपमेंट कितनी तेज़ी के साथ चल रही है और जो इंस्टॉलमेंट प्लान आपको 8 मरले का मैंने बताना है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड तक में बताऊँगा। तो आए चलते हैं, आपको ताज रेजिडेंशिया का विज़िट करवाते हैं और बाकी डिटेल्स आपको अंदर जाके देते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त मैं I-14 में हूँ। अगर आप यहाँ से सीधा चले जाएँ तो आप I-15 I-16 को पहुँच जाएंगे। राइट लेफ़्ट हो जाएँ तो ये आपको पुलिस स्टेशन नज़र आ रहा है। इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन थाना नून है जहाँ पे, और इस लिंक रोड को यूज़ करते हुए आप ताज रेजिडेंशिया को जो है वो पहुँच जाएंगे। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे जो आप घर देख रहे हैं ये CDA सेक्टर I-14 है। हम इस रोड को यूज़ करते हुए ताज रेजिडेंशिया पहुँचेंगे। मेरे पूरे लेफ़्ट साइड पे जो है आपको CDA सेक्टर I-14 की घर नज़र आ रहे हैं, इसका स्ट्रीट्स वगैरह हैं। यहाँ से आगे जाके आप राइट होंगे तो ताज रेजिडेंशिया आ जाएगा। अब ये मेरे लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं ये ताज रेजिडेंशिया की जो है वो एंट्रेंस पॉइंट है। यहाँ से आप इंटर होंगे और ताज रेजिडेंशिया का जो बुलेवार्ड है वो स्टार्ट हो जाएगा। ताज रेजिडेंशिया, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये सरदार ग्रुप ऑफ कंपनी का ये प्रोजेक्ट है, इससे पहले वो डिलीवर कर चुके हैं सेंटोरस को जो इस नंबर का एक जाना पहचाना शॉपिंग मॉल है। तो अभी हम इसका मेन बुलेवार्ड से गुजर के जा रहे हैं, आपको एंड तक इसका सारा विज़िट करवाएंगे। आपको यही बुलेवार्ड को यूज़ करते हुए आप आगे इस नंबर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और M2 मोटरवे जो है इस्लामाबाद पिशावर उसको भी लिंक कर सकते हैं। जी, आपको इसकी बाउंड्री वॉल नज़र आ रही है, ये इसकी बाउंड्री वॉल है। इसके बैक साइड पे जो एरिया है वो बाहर है और इधर वाला जो एरिया है ये सारा ताज रेजिडेंशिया है। ताज रेजिडेंशिया जो है ये रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी है और इंस्टॉलमेंट पे जो है आपको यहाँ पे प्लॉट ये सोसाइटी ऑफ़र कर रही है। रिसेंटली जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद पाकिस्तान पैकेज से नाम से इन्होंने 8 मल्ला रिसेंटली लॉन्च किया है, इससे पहले वो 5 मल्ला कर चुके हैं। उसकी डिटेल्स आगे जाके आपके साथ शेयर करते हैं। इस वक्त मेरे लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं ये टूलिप ब्लॉक है इसका, जहाँ पे एक मस्जिद भी तामीर है और एक कमर्शियल प्लाज़ा जो है वो भी यहाँ पे तामीर है। यहाँ पे जो प्लॉट्स की कटिंग मिलती है आपको कनाल और 2 कनाल की मिलती है, 5 मल्ला के विलाज आपको मिल जाते हैं। ये फुली डिवेलप सेक्टर है इसका टूलिप ब्लॉक, यहाँ पर पोजेशन वाले प्लाट्स हैं। ये जो आप अब येलो कलर का घर देख रहे हैं ये मॉडर्न हाउस है, ये सोसाइटी बना के देती है, फुल फर्निश होते हैं ये, इसका भी मैं विज़िट कराऊंगा। और मेरे राइट साइड पे जो है ये लिली ब्लॉक है जिसका ये प्लाज़ा भी आपने देखा है।
तो डेवलपमेंट्स का काम इधर भी हो रहा है, आप देख सकते हैं डेवलपमेंट्स का काम यहाँ पे लगा हुआ है। अभी हम आगे चलते हैं और बाकी जो डेवलपमेंट्स का काम है वो हम आपको दिखाते हैं। सोसाइटी आप देख सकते हैं क्लीन है एंड इसकी ग्रीनरी वगैरह पे भी सोसाइटी ने काफ़ी काम किया, चीज़ों को जो है वो मेनटेन किया हुआ है। ये 5 मल्ला के विलाज हैं जो आपको इंस्टॉलमेंट पर मिल जाएंगे और कैश पर भी। अभी हम आगे चलते हैं और बाकी आपको डिटेल्स वगैरह आपके साथ आगे शेयर करते हैं। इसका आपको मार्केटिंग ऑफिस भी दिखाते हैं और इसकी जो डेवलपमेंट्स का काम हो रहा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये ताजदाई दिनशा का मेन बुलेवार्ड है। अभी हम आगे चलते हैं, आपको डिटेल्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये हाउसिंग सोसाइटी जो है ये एक डेवलप है। डेवलप हाउसिंग सोसाइटी में आपको इंस्टॉलमेंट पे जो है वो प्लॉट मिल रहे हैं। अगर आप लेना चाहते हैं या प्लॉट बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह यहाँ पर आपका प्लॉट बुक करवाएँगे और फिज़िकली अगर आप इसका विज़िट करना चाहें तो हम आपका यहाँ पर फिज़िकली विज़िट जो है वो भी अरेंज कराएँगे। अगर आप यहाँ पे हमारे थ्रू फाइल लेते हैं तो हम आपको उसको रीसेल का जो है वो भी ऑप्शन आपको हम देंगे। ये इसका मार्केटिंग ऑफिस है जो आपने देखा है। अभी हम आगे चलते हैं। ये बुलेवार्ड इसका जो है थोड़ा सा आगे जाके एंड हो जाता है। आगे जो इस तरह का रोड है उस पर काम हो रहा है, उस पर वो काम कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, लेकिन ये जो सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर आके बुलेवार्ड जो है इसका ख़त्म हो गया। आगे इस बुलेवार्ड को जो है वो एक्सटेंड कर रहे हैं, डेवलपमेंट्स का काम जो है वो कर रहे हैं। मशीनें वो यहाँ पे लगी हुई हैं। ये सामने आप देख सकते हैं एरिया में इन्होंने कटिंग कर दी है, सीट्स वगैरह भी काट दिए हैं। बहुत जल्द यहाँ पे जिन लोगों के इंस्टॉलमेंट्स कम्प्लीट हो गए उनको सोसाइटी बहुत जल्द यहाँ पर पोजेशन देने वाली है। ये इसका अनडेवलप एरिया आ गया, डेवलपमेंट्स का काम यहाँ पे लगा हुआ है, मशीनें वगैरह यहाँ पे काम कर रही हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। फुली डेवलप है, RDA रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी है। अगर आपको मैं थोड़ा सा कंपैरिजन दूँ CDA सेक्टर I-14 I-15 में, तो वहाँ पर 7 मरले का प्लॉट जो है वो आपको 70 से 80 लाख रुपये कैश पर मिलता है, जबकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ओपन है, आपको गैस का भी में भी थोड़ा सा भी इशू है, वहाँ पे पानी का भी है, लेकिन 48 रेजिडेंशियल में अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, आपको पानी भी मिल जाता है और गैस जो है क्योंकि अभी ये सोसाइटी डेवलप हो रही है तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे गैस भी जो है वो आ जाएगी। ये इसका बुलेवार्ड का काम यहाँ पे आप देख सकते हैं, मशीन लगी हुई है जो इसके बुलेवार्ड का काम कर रही है। कुछ अर्से तक ये मेन बुलेवार्ड आपका आगे रावलपिंडी की जो गिरजा रोड है उसको टच कर लेगा, लेकिन अभी क्योंकि काम लगा हुआ है, कच्चा रास्ता है, आप अभी भी गिरजा रोड को अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन पक्का रोड इंशाल्लाह बहुत जल्द बन जाएगा। जी आप देख सकते हैं जी इसका बुलेवार्ड की कटिंग इन्होंने कर दी है, घेरा शेरा डाल दिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको डेवलप कर देंगे सेक्टर को। प्लॉट्स की कटिंग इन्होंने कर दी है सारी। जी अब मैं इसकी हाइटेड लोकेशन पे आ गया हूँ, सारे जहाँ पे जो है वो कनाल के प्लॉट्स हैं जो आपको इंस्टॉलमेंट पर मिलते हैं यहाँ पर, तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। ये आप इसकी फेंसिंग देख रहे हैं, सोसाइटी जो है वो चारों साइडों पे इस पे बाउंड्री वॉल है, पूरी जो है इसकी सिक्योरिटी का जो सिस्टम है वो सोसाइटी ने जो है वो डेवलप किया हुआ है। ये सामने आप इसका मेन बुलेवार्ड देख रहे हैं जो मैंने आपको पहले दिखाया था, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं इस वक्त हाइटेड लोकेशन पे हूँ तो ऊपर से आपको बुलेवार्ड का जो है वो व्यू दिखा रहा हूँ और जो डेवलपमेंट्स का काम यहाँ पे हो रहा है वो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज मैंने आपको ताज एजेंसिया का विजिट करवाया। ये मेरे पीछे आप ताज एजेंसिया का मेन बुलेवार्ड देख रहे हैं, ये इसका मार्केटिंग ऑफिस है और ये बुलेवार्ड आगे ये जो आपको डंपर नज़र आ रहा है यहाँ तक ये बुलेवार्ड जो है वो कम्प्लीट है, इससे आगे जो है काम जारी है। आपका ये जो बुलेवार्ड है इसको आगे M2 मोटरवे और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ जो है वो कनेक्ट किया जाएगा। तो आपका यहाँ पर अगर प्लॉट की कटिंग का बताता चलूँ तो यहाँ पर 5 मल्ला 8 मल्ला 10 मल्ला और 1 कनाल के प्लॉट्स की कटिंग है, और यहाँ पे अगर ब्लॉक्स की बात की जाए तो तकरीबन 13 इसके ब्लॉक्स हैं जिसमें रोज़ है, गार्डन है, गार्डिनिया है, टूलिप है, लिली है, इस तरह ब्लू बेल है। तो रिसेंटली कुछ महीने पहले ताज एजेंसी ने जो है पाकिस्तान पैकेज के तहत 5 मल्ला लॉन्च किया था 35 लाख रुपये में, जिसकी डाउन पेमेंट 6 लाख रुपये थी और बाकी उसका 4 साल 5 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान था। अभी पिछले हफ्ते ही ताज एजेंसी ने जो है पाकिस्तान पैकेज के तहत 8 मरला जो है यहाँ पे लॉन्च किया है। 8 मरला की टोटल कीमत जो है वो 47,50,000 रुपये, डाउन पेमेंट उसकी 8.5 लाख रुपये और बाकी आपने इंस्टॉलमेंट पे जो है वो यहाँ पे प्लॉट की कीमत देनी है। आपकी इंस्टॉलमेंट कम्प्लीट होगी तो आपको यहाँ पर प्लॉट मिल जाएगा। तो ताज एजेंसिया जो है अगर आप इसको कंपेयर करें CDA सेक्टर, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि I-14 I-15 इसके बिल्कुल साथ में लग रहा है,
तो वहाँ पे आपको 7 मरले का प्लॉट जो है 70-80 लाख रुपए की ब्रैकेट में मिलता है, जबकि उसके साथ ही जो एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है जो RDA रावल पिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, और डेवलपमेंट्स का काम आपने देखा है, यहाँ पे आपको 8 मरले का प्लॉट इंस्टॉलमेंट पे 47,50,000 रुपये का मिल रहा है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि आप इस्लामाबाद के CDA सेक्टर्स के बिल्कुल साथ ही, जहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ जो है, पानी, बिजली, गैस, तो आपको पता है हाउसिंग सोसाइटी अभी नहीं है, टाइम लगेगा गैस को, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अंडरग्राउंड है, और गैस जो है वो भी फ्यूचर में इंशाल्लाह यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप भी यहाँ पे अपना प्लॉट लेना चाहते हैं, बुक करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको फिजिकली इसका विजिट भी करवाएंगे और यहाँ पे आपका प्लॉट भी बुक करवाएंगे। और जो रीसेल का ऑप्शन है, बहुत कम कंपनियाँ जो आपको रीसेल ऑप्शन देती हैं, हम अपने क्लाइंट्स को जो ओवरसीज हैं या पाकिस्तानी हैं उनको रीसेल का भी जो है वो ऑप्शन देते हैं कि वो अगर हमारे तहत बुकिंग करवाते हैं तो हम उनको रीसेल की ऑप्शन देंगे। तो ये था आगे ताज़ा एजेंशिया का विजिट। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल MR रहमान को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो इजीली आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मिर्ज़ा रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।